अगर मैं आपको बताऊं, पहले आप गन लेकर लैंड होया करते थे। जैसा आपको पता है कि अगर आप अब लैंड करते हो तो आप खुले हाथ लैंड होते हो। और अगर आपको मैं बताऊं कि पहले आप गन लेकर लैंड होया करते तो क्या आप बिलीव करोगे? और वहीं पर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा सीक्रेट कंपेनियन जो कि पूरा बीटा वर्जन में बना के रख दिया पर वो आज तक कभी रिलीज ही नहीं हुआ, तो क्या आप बिलीव करोगे? आज की वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जिनको देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। अरे बाबा! और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल किश गेमर। और आगे हम वापस बीजीएमआई अननोन एंड जी फॉर फैक्ट्स के पार्ट 10 में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बीजीएमआई पबजी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो कि ओनली 1% प्लेयर्स को ही पता होगा। और जो मैं आपको लास्ट वाला फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो किसी भी 0.1% बंदों को ही पता होगा। जी गाइस, तो पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। एंड गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको सो मच थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट दिखाया। एक हफ्ते से मैंने वीडियो अपलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा भाई टाइफाइड हो गया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, घर पर आ गए हूँ। सो थैंक यू अपनी आपकी दुआ के लिए, इतने सारे लोगों ने दुआ करा भाई, देख सकते 5000 लाइक्स, बहुत थैंक यू। बस क्या ही कहे, बस दुला दिया भाई सपोर्ट के। प्लीज यार, पहले वाला सपोर्ट दिखाना, बस आज आपसे एक ही दुआ है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो गाइस, जो भी चैनल बने अभी सारे को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन का दबा दो। एंड गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते तो कर सकते हो। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 7, तो दोस्तों आपको पता होगा भाई हमारे गेम में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेबल स्किन है। एंड एक अपग्रेडेबल स्किन करने के लिए कम से कम एक आधी किडनी तो चली जाती है। तो गाइस, क्या आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मटेरियल किसके पास है? तो गाइस, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हाईएस्ट मटेरियल है फारूक अहमद वाइटी के पास, जो कि एक यूट्यूबर है। जैसा देख सकते हैं, इनके अकाउंट में 224 मटेरियल, जैसा देख सकते हैं कि भाई 224, मतलब भाई एक मटेरियल निकालने में ऐसी तेजी हो जाती है, इनके पास 224 मटेरियल। एंड गाइस, मैं आपको बता रहा था इनके अकाउंट में भाई आप जैसे देख सकते हैं कि सब की सारी की जारी जितनी भी आज तक अपग्रेडेबल स्किन्स आई है सब की सब मैक्स है। तो भाई साहब, इतना पैसा इन्होंने लगा रखा है। तो गाइस, क्या आपको ये पता था मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6, तो दोस्तों क्या आपको पता है पहले सीजन 1 में हम अपने टीममेट को गाड़ी से मार सकते थे? जी हां गाइस, जैसा आप ये क्लिप देख सकते हैं सीजन 1 का क्लिप है। एंड ये देख पा रहे हो कि इसका टीममेट जो है गाड़ी से कुचलने का ट्राई कर रहा है, देख सकते हैं इसकी पावर घट गई है। सो आपको मैं बता रहा था, मैंने खूब क्लिप ट्राई करा ढूंढने का पर मेरे को और क्लिप नहीं मिले। सो गाइस, मैं आपको इतना ही क्लिप दिखा दे, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी ओल्ड प्लेयर से जाके पूछ सकते हो, आपको बता देगा कि पहले आप गाड़ी से मार सकते थे नहीं। एंड गाइस, आप जरूर कमेंट्स बताना कि आप कौन से सीजन से पबजी मोबाइल खेल रहे हो। तो भाई, बढ़ते अपने आज के स्पॉन्सर पर। भाइयों, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ले आया है मोबाइल गेमिंग का असली खिलाड़ी, खिलाड़ी अड्डा ऐप। खिलाड़ी अड्डा एक गेमिंग ऐप है जहां आप बीजीएमआई खेलकर हजारों रुपए जीतने का मौका मिलता है, मतलब गेमिंग भी और अर्निंग भी। खिलाड़ी अड्डा ऐप इस महीने में लगभग 500 से ज्यादा कॉन्टेस्ट करा रहा है जहां हर खिलाड़ी हर रोज 15,000 रुपए तक जीत सकता है। जी हां गाइस, इस नाम में मेरा फेवरेट है हर शाम में होने वाला उल्टा पुल्टा बैटल। इस कॉन्टेस्ट में जो सबसे पहले मरता है वो सबसे पहली पोजीशन पाता है, तो इसका मतलब भाइयों ये कॉन्टेस्ट सबसे हटकर है और इसको खेलने वाले कोई भी खिलाड़ी खेल सकता है। इस ऐप की एक और खासियत बात तो बताना रहेगी, अगर आप अपने दोस्त को अपने इनवाइट कोड से बुलाते हो तो आपको लाइफ टाइम 2% रेफरल बोनस भी मिलता रहेगा। और सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या यार, जाओ और डाउनलोड करो, जैसे दूसरों के किल लूटते वैसे ही खिलाड़ी अड्डे पे कॉन्टेस्ट लूटो, जाओ डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फैक्ट नंबर 5, तो दोस्तों ये फैक्ट आपको ग्लोबल में हुआ है, पबजी वाले ग्लोबल में है। ये आपको बता दो, जो बंदे बीजीएमआई खेलते होंगे उन्हें किसी बंदे को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। तो एक ग्लोबल में एक नई चीज आई है, जैसे हम इस बंदे की आईडी सर्च करते हैं तो देख सकते हैं इस बंदे का टाइटल, देख सकते हैं बगदाद प्रोविनेंस करके इसका टाइटल आ रहा होगा, इसका लिख रहा होगा बगदाद प्रोविनेंस 32 डुओ विंस। मतलब जैसे आप इसका टाइटल देख पा रहे हो, बगदाद प्रोविनेंस करके टाइटल दिखा रहा है, मतलब इस स्टेट का होगा, इजिप्ट का। एंड ऐसी अगर हम किसी और बंदे की प्रोफाइल खोले जैसे इस बंदे की है, तो आप देख पा रहे हो इसका टाइटल है हांगकांग SAR #4longshore, मतलब भाई इनका टाइटल मिल रहा है, इन्हें अब इनकी स्टेट वगैरह के हिसाब से टाइटल मिल रहा है। तो गाइज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो कि पबजी वाले लाया। सो गाइज, कमेंट्स होता ना कि आपको बीजीएमआई में भी ऐसे ही होना चाहिए कि गाइज अगर आप उत्तर प्रदेश से खेल लो तो लिखाना चाहिए उत्तर प्रदेश #1 ऐसे करके, केरला #1 ऐसे करके। सो गाइज, कमेंट्स बताना ये कंसेप्ट बीजीएमआई आना चाहिए, स्टेट वाइज के टाइटल मिलने चाहिए, अगर ऐसा होगा तो यार बहुत मज़ा आएगा जरूर। तो गाइज, कमेंट्स होता ना आपको इसके बारे में क्या लगता है, मैं जरूर जानना चाहूँगा।
फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों आपको पता है जैसे कि वीकेंडी वापस आ गया है, पर बहुत से बंदे ऐसे जिन्होंने आज पहली बार वीकेंडी खेला होगा तो उन्हें इसके बारे इस फैक्ट के बारे में 1% भी नहीं पता होगा। आपको बताऊं पहले सीजन 7 में वीकेंडी में रात हुआ करती थी, जी हां गाइस अरोरा मोड हुआ करता था। तो आपको पता है वीकेंडी इंस्पायर है कि भाई बर्फ की थीम से, एंटार्क्टिका की थीम से इंस्पायर है। तो जैसा आप ये क्लिप देख पा रहे सीजन 7 में क्लिप है जब वीकेंडी में आपको पता है अरोरा मोड हुआ करता था, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट मोड हुआ करता था। जब आप HDR ग्राफिक्स खेलते थे तो भाई ऐसा फील आता था पता नहीं जैसे कि क्या ही सीनरी में, मजा आ जाता था बिल्कुल। एंड गाइस ओनली ओल्ड प्लेयर को इसके बारे में पता होगा, मैं गारंटीड कह सकता हूं। सो गाइस कमेंट से बताना क्या आपने वाला मोड खेला था या नहीं, मैं जरूर जानना चाहूंगा। एंड गाइस आपने अभी तक वीएनडी खेला है कि नहीं ये भी प्लीज जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3। तो दोस्तों आपको पता है पहले फ्री में आपको सौदा मिल जाता था वो भी VPN लगाने से। सो गाइस आपको मैं बता देता हूँ पहले भाई VPN ट्रिक आया करती थी, आपको मैं बता देता हूँ जिस बंदे को नहीं पता हो, पहले VPN करके ट्रिक हुआ करती जिसमें आप बस VPN लगाया करो और आपको सिंपल से सौदा मिल जाता था। जैसे देख सकते हैं बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो भी बना रखी थी। एक कह रहा ऐसा था मेरा जो चैनल चलता था उस टाइम पर मैं भी इस टाइप की वीडियोज डालता था VPN ट्रिक करके, एंड ये उस टाइम पर VPN ट्रिक बहुत चलती थी। फिर पबजी मोबाइल ने इसे हटा के सर्वर ला दिया जिससे कि आपको कोई भी सर्वर का सामान चाहिए पहले सर्वर चेंज करना पड़ता था, पढ़ना पड़ेगा। तो इस कारण से भाई VPN ट्रिक बिल्कुल बंद हो गई और भाई इनका खात्मा होगा। तो गाइस कमेंट से बताना कि आपको पता था या नहीं, मैं जरूर जानना चाहूंगा। ये चीज ओनली ओल्ड प्लेयर को ही पक्का पता होगी। फैक्ट नंबर 2। तो दोस्तों क्या आपको पता है पहले एक ऐसे सीक्रेट कंपेनियन जो कि बेटा पूरे वर्जन में बना दे पर वो अब तक रिलीज नहीं हुआ, उस कंपेनियन का नाम है जर्मन शेफर्ड। तो जैसा देख सकते कि भाई ये जर्मन शेफर्ड कुछ इस टाइप का एक कंपेनियन है जो कि बना दिया था पबजी मोबाइल ने पूरा का पूरा, एंड आपको पता है 2 साल पहले ये बना दिया गया था। जैसा आप देख सकते शुभ गेमर्स ने भी इस पर वीडियो बना रखा है, 2 साल पहले ये पूरा बन के रेडी हो गया था बीटा वर्जन में पर ये अभी तक भी रिलीज नहीं हुआ। एंड गाइस आप देख पा रहे होगे आपको बहुत लीक मिल रही होगी कि गाइस ये अब रिलीज होता है इस वाले अपडेट में, पर इस बार भी नहीं हुआ। एंड गाइस के इमोट भी थे जो आप देख सकते हैं कंपेनियन के इमोट होता है, ये कुछ 1500 में आने की बात होते हैं, कुछ देख सकते हैं कुछ इस टाइप के बहुत ही प्यारे इमोट से। एंड आपको मैं बता रहा हूं गाइस कमेंट से बताना कि आपको इसके बारे में पता था नहीं, मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो ये इमोट से बता रहे इस बार आएगा, देखते हैं कब तक आता है। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों आपको पता है पहले आप गन के साथ ड्रॉप हुआ कर सकते थे, जी हां गाइस ये वाला फैक्ट किसी भी 1% प्लेयर को नहीं पता होगा क्योंकि बता देता हूं ये एक बहुत बड़ा ग्लिच था जो कि पबजी मोबाइल में आया था सीजन 2 के करीब में, एंड ओनली 1 महीने तक रहा था आपको बता देता हूं मैं। जैसे देख सकते हैं इस पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने लोगों ने वीडियो बना रखी है, अगर आपको यकीन नहीं आप जाके भी खुद चेक कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूंगा ये कैसे कैसे करना है। श्रीमान लेजेंड ने भी इस पर वीडियो बनाई थी। इस ट्रिक को यूज करने के लिए सिंपल से आपको क्या बोलते हैं आपको अपने दोस्त को कह देना होता था, आपको खुद सबसे पहले लैंड कर देना होता था, एंड आपको इतने आपका दोस्त लैंड नहीं करता इतने आपको गन लूटनी होती थी। उसके बाद सिंपल से आपको अपने दोस्त को कह देना होता था कि इनवाइट कर दे, जब आपका दोस्त इनवाइट आपको कर देता था तो आप जैसे देख सकते हैं कि एकदम आप इनवाइट करने के बाद आप आसमान में चले जाते थे और आप लैंड होते थे, जैसे देख सकते हैं दूसरे फोन में उस बंदे का हो रहा है। एंड जैसे देख सकते हैं कि मतलब ऐसे आप लैंड करते थे और आपका दोस्त जब तक लैंड करता था आप अभी लैंड कर पाते थे, एंड आपके पास गन भी होती थी। तो ये कई लोग ग्लिच यूज करते थे टेलीपोर्ट करने के लिए, पहले फाइट ले ले करते थे जैसे आ रहे एकदम जैसे आप बढ़ने को होते थे तो लैंड कर देते थे। सो गाइस कमेंट से बताना ये किसको पता था नहीं, मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।